हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज का दिन और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो दिन है रविवार है और आज हम लोग अपने बाइक का डिलीवरी लेने वाले हैं। और मेरा ये जो बाइक है वो ड्रीम बाइक है। ये ड्रीम बाइक आपका भी ड्रीम बाइक होगा ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो हम लोग के एज के जो यंगर हैं या फिर यंगस्टर हैं उन लोगों का ये ड्रीम बाइक होता है। और ये मेरा औकात के बाहर की चीज़ है, बट फिर भी मैंने इसको लेने का एक प्लान किया था और आज वो सपना मेरा जो कभी देखे थे वो मेरा सपना आज सच होने वाला है। तो उसी की डिलीवरी हम लोग लेने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें और आगे क्या क्या होता है इस वीडियो में वो लास्ट तक देखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग पहुंचे हो गए हैं अभी मिठनपुरा के पास में, और यहाँ पे हम लोगों के शहर में अभी जो ट्रैफिक रूल्स है वो फॉलो हो चुके हैं, बट यहाँ पे देखिए क्या होता है। फाइनली दोस्तों, हम लोग बजाज के शोरूम में पहुंच चुके हैं, तिहुर बजाज में, और KTM का शोरूम ऊपर है तो ऊपर चलते हैं। फाइनली दोस्तों, हम लोग शोरूम में पहुंच चुके हैं, बट अभी तो शोरूम बंद है। दोस्तों, भैया से बात हो चुकी है और वो उन्होंने बताया है कि बस आधा से एक घंटा में वो लोग आने वाले हैं और शोरूम को ओपन करेंगे और हमारी बाइक की डिलीवरी कराएंगे। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ है दोस्तों, वहाँ पे कहीं ना कहीं मेरी भी इसमें गलती है, क्योंकि आज सुबह ही उनको मैंने बोला था कि भैया हमको आज डिलीवरी लेना है। उन्होंने तो बताया था कि आप हमको पहले बता देते तो उसके लिए हम बढ़िया से ऑर्गेनाइज़ करते थोड़ा सा उसको बढ़िया तरीके से, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे। इतना देर इंतजार हम लोग करना पड़ेगा और जब तक के लिए हम लोग आते हैं नीचे से नाश्ता करते, नहीं नाश्ता तो आज नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि हाँ ठंडा पी के आते हैं हम लोग जब तक, क्योंकि आज तो पहले पूजा करेंगे, करीब बाबा गरीब स्थान के मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे गाड़ी की पूजा करेंगे, उसके बाद ही। तो मैं और मेरा दोस्त अभी तिरहुत बाजार के वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं और यहाँ पे वेट कर रहे हैं ऊपर में शोरूम ओपन होने का, क्योंकि संडे है तो यहाँ पर उतना कस्टमर है नहीं। और अभी हम लोग मज़ा ले रहे हैं स्प्राइट का। तो फाइनली दोस्तों, शोरूम ओपन हो चुका है, तो आइए हम लोग अपने बाइक की डिलीवरी लेते हैं। ये जो बाइक आप देख रहे हैं ये हमारी बाइक नहीं है, हमारी बाइक के काम भी चल रहा है। तो ये बाइक लेने के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है और इसका सारा श्रेय जो जा रहा है वो यूट्यूब को जा रहा है, क्योंकि ये जो है मेरे 3 साल की मेहनत का फल है दोस्तों। क्योंकि आपको शायद मालूम नहीं होगा, मैं यूट्यूब पे 3 साल से हूँ, बट बीच में कभी कंटिन्यू हुआ कभी डिसकंटिन्यू हुआ। इसी बीच में है कि मेरे पास जो भी यूट्यूब से अर्निंग आता था उसको मैं जमा करते करते अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए उसको रखता था दोस्तों, और कुछ पैसा उधर से और कुछ पैसा अपना बचत करके उसको हम एक साथ में करके आज अपने ड्रीम बाइक को अभी लेने वाले हैं और लिए हैं दोस्तों।
भाई हमको विश्वास ही नहीं रहा है कि गाड़ी ले लिए हैं हम लोग, और अब हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से बाइक ले करके। और देखिए यहाँ पे बाइक जी, हाँ जी अपनी बाइक आ चुकी है, और ये देखिए हमारी बाइक ये है। दोस्तों फाइनली बाइक तो आ गई है, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं बाबा गरीब स्थान के मंदिर में, और वहाँ पे गाड़ी की पूजा करेंगे और फिर वहाँ से निकलेंगे घर के लिए। दोस्तों ये अपनी बाइक है, मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैंने ये बाइक ले ली है आज। महंगा है, छोटा तो है लेकिन बहुत महंगा है। इसका नाम क्या नाम है? GoPro, GoPro हेलमेट में लगा के ना इसको वीडियो बनाते हैं। ट्रिगर भी आ रहा है साथ में। हाँ फ्रंट में सामने में, मतलब जो भी रिकॉर्ड हो रहा है ना आपको भी दिखाई देगा कि हाँ किसका फोटो आ रहा है, क्या है वो सारा चीज़ इसमें दिखा। कितना का होगा ये कैमरा? यही वही 40-50 हज़ार का बस। दोस्तों फाइनली अपनी हाथी को उसका खुराक दे चुके हैं और यहाँ से फिर हम लोग चलते हैं बंद कर लो। दोस्तों हम लोगों ने रसीद करवा लिया है, अगर आप भी अगर बाइक की पूजा करवाने गरीब स्थान मंदिर में आते हैं तो यहाँ पे आपको 151 रुपया का पहले एक रसीद करवाना पड़ेगा। रसीद करवाने के बाद अब हम लोग चलते हैं आगे पूजा करेंगे। दोस्तों देखिए हम लोग का मुजफ्फरपुर का सबसे महापर्व का चप्पल खोल के हाथ धो लीजिए यहाँ पे है, जो सावन के महीने में बहुत ही बड़ा यहाँ मेला लगती है और कुछ हजारों की संख्या में आदमी जलाभिषेक करते हैं। तो फाइनली दोस्तों पूजा का प्रसाद उसाद लिया गया है, पंडित जी आ गए हैं ना। हम लोगों ने पूजा अर्चना मंदिर के अंदर में जाकर भी कर लिए और फिर वहां से हम लोग निकल गए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।